साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूं 369 नंबर की। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है दोस्तों। बस जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप इसको लिखना शुरू करिए। आपकी कोई परेशानी है, कोई मनोकामना है, हाथ तो हाथ पूरी होगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, इस टेक्निक को समझिए आप। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा, अब भगवान को आप सभी मानते हैं, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को आप मानते हैं, तो एक बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ भी दूंगा इसका। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपने देखा होगा भगवान विष्णु हमेशा शेष सैया पे लेटे रहते हैं, लेकिन वो ध्यान करते हैं। भगवान शंकर सदियों तक समाधि में रहते हैं। ब्रह्मा जी माला जपते हैं, माता सरस्वती माला जपती हैं। सभी देवी देवता किसी न किसी के ध्यान में खोए रहते हैं। तो जब ये स्वयं भगवान है, स्वयं ब्रह्म है, तो ये किसका ध्यान करते हैं? अगर ये यही भगवान है, सृष्टि को चला रहे हैं, तो ये किसका ध्यान करते हैं? मतलब ये कि इनके ऊपर भी कोई एक शक्ति है जिनका ये ध्यान करते हैं, और वो शक्ति है दोस्तों ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सत्ता है, जिसे यूनिवर्स कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही पावरफुल, एक सबसे बड़ी सत्ता है जिसे साइंस मानता है। साइंस भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वो ये मानता है कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, और नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स के थ्रू हम ब्रह्मांड से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ब्रह्मांड भी नंबर्स के थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट करता है। ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का हमसे बात करने का एक तरीका होता है, वो नंबर्स के थ्रू, जैसे कि 111, 222, 333, 211, 112 या फिर 1212। ये नंबर्स जो होते हैं, अगर रिपीटेड वे में दिख रहे हैं आपको कहीं भी, आपको 11 जो होता है सबसे बड़ा मास्टर नंबर होता है। अगर आपको 11 हर जगह दिन में 3 से 4 बार दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। और 369 इसका दोस्तों जो आप देखेंगे, निकोला टेस्ला है, एक बहुत बड़े नंबर्स के न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस नंबर पे, आप गूगल में सर्च करेंगे, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों ब्रह्मांड से अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं, ब्रह्मांड, प्रकृति, कुदरत, कुछ भी कह सकते हैं आप, भगवान जो होते हैं हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमें फल देते हैं, लेकिन हम ब्रह्मांड से कोई चीज चाहते हैं तो हम A to Z सिर्फ अपना मैसेजेस उन तक पहुंचा सकें, तो हम हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल एक टेक्निक बताऊंगा। दोस्तों नंबर्स जो होते हैं, 369 जो है, ये अपने में ही एक चमत्कारिक नंबर है, निकोला टेस्ला का। अब अगर मैं पूरी डिटेल्स अगर इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग गूगल में सर्च करें निकोला टेस्ला 369 मेथड, उसके बाद में पूरी डिटेल्स पढ़ें कि 369 नंबर जो है कितना पावरफुल है, सारे नंबरों से अलग है। मैं अगर इसकी डिटेल्स बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और जानकारी पूरी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों 1111 नंबर जो होता है, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, ये मास्टर नंबर है। जब ये नंबर जो 369 ये नंबर की मेथड आप रेमेडी जब आप करेंगे, तो इसका रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, ये नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 369 नंबर जो होता है ये कंफर्मेशन होता है कि अब आपकी विश पूरी होने वाली है। जो भी आप लिखेंगे, जिस तरीके से बताऊंगा, जब ये आप रेमेडी करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होता है हाथों हाथ मिलता है, ये एंजल नंबर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कहीं भी आप देखेंगे आपको लाइक में दिख जाएगा, कहीं इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो 369 या फिर 396, मतलब ये तीनों नंबर एक साथ होंगे, तो समझ जाइए कि आप जो रेमेडी कर रहे हैं ये वर्क कर रही है। अब ये नहीं करना है आपको कि आज ही में विश पूरी हो गई, थोड़ा सा आपके टेस्ट हो सकते हैं। अगर आपका जो विश्वास है, फेथ है, वो अगर मजबूत होगा तो दोस्तों बहुत जल्दी 21 डेज या 41 डेज में आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो करना कैसे, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं आपको क्या करना है। आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, ठीक है, आपको दोस्तों इसमें पॉजिटिव ही रहना है,
नेगेटिव कोई भी चीज नहीं रखनी है आपको, ठीक है। आपको गरीबी है, ठीक है, या फिर आपको बीमारी है, या रोग दोष है, शत्रु है, कोई भी चीज है, तो आपको पॉजिटिव चीजों में लिखना है और प्रेजेंट टेंस में लिखना है, लिखना है और बोलना है। सुबह में जब आप उठते हैं तो सुबह में आपको क्या करना है, तीन बार, ठीक है, सुबह में तीन बार एक कॉपी बना लें। आपको जब ये मेथड करेंगे तो कॉपी जो होगी कोरी लेना है, यानी कि नई कॉपी लेना है, कोई भी चीज न्यू यूज करना है, ब्लू कलर यूज करना है, ब्लू कलर का न्यू पेन लेकर के आना है। जब खरीद करके लाएंगे तो आपको एक चीज का याद रखना है, वहां भी आपको चला करके नहीं देखना है, सीधा आपको पेन लेकर के आ जाना है, कॉपी आपको सीधे लेकर के आ जाना है, कोरी कॉपी। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, इसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह में तीन बार, दोपहर में छह बार और नाइट में नौ बार। आपको बोलना भी है और लिखना भी है। सपोज आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, ठीक है, तो सुबह में आप क्या लिखेंगे, सुबह में तीन बार आपको बोलना है आकाश की तरफ देख करके, ठीक है, ऊपर देख करके आपको सुबह में तीन बार बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। अब आपको पैसा चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है, ये आपको बोलना है और साथ में विजुलाइज करना है उस चीज को, और हल्की से आपको जो पैसों की नोटों की जो स्मेल होती है वो आपको फील करना है अगर आप पैसा चाहते हैं। फिर यही चीज आप क्या करेंगे, दोपहर में छह बार रिपीट करेंगे आकाश की तरफ देख करके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, ये छह बार। फिर नाइट में सोने जाने से पहले या 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, 9 बार आपको रिपीट करना है और विजुलाइज भी करना है और पैसों की स्मेल होती है वो आपको फील करना है, ठीक है। ये हो गया आपका बोलने वाला सिस्टम। अब आपको कॉपी जो ली है आपने, तो बोलने के बाद में या बोलने से पहले जब भी आपको सही लगता है, मतलब कि सुबह में आपको 8 बजे से पहले बोलने वाला और लिखने वाला काम कर लेना है, ठीक है। और दूसरा जो होगा 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपको 6 बार जो बोलना है ये वाला काम कर लेना है, और नाइट में 9 से 10 के बीच में आपको 9 बार बोलने वाला काम कर लेना है। और लिखने वाला सिस्टम क्या करना है, आपको तीन बार आपको लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है तीन डॉट, तीन नंबर लिख लेंगे 1 2 3, ठीक है, उसके नीचे आप लिखेंगे मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, तीन बार, और उस चीज को सोचते जाएंगे, विजुलाइज करते जाएंगे, फील करते जाएंगे, और मनी मन बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। फिर दोपहर में छह बार, नाइट में 9 बार। आप इसको पैसों के लिए कर रहे हैं तो पैसों के लिए आपको आपकी कोई पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ी विश है, ठीक है, या आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है, ठीक है, तो परेशानी से मुक्ति के लिए भी लिख सकते हैं। वैसे दोस्तों परेशान इसमें नेगेटिव चीजें यूज ना करें, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही यूज करें। अब गरीबी है, कर्जा है, तो इसके लिए पैसों के लिए ही लिखेंगे कि पैसा आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं आपकी ड्रीम जॉब आपको मिले, है ना, तो आप क्या लिखेंगे कि मेरी ड्रीम जॉब इतनी सैलरी की इतनी जॉब मुझे मिल गई है, मैं बहुत खुश हूं। ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है आपको, क्योंकि देखिए ज्यादा बड़ा सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा, कंफ्यूज होगा, और एक बार में एक ही मनोकामना के लिए करना है आपको, नहीं तो आप या फिर आप बार बार बड़ी दो तीन मनोकामना आप लिख देंगे जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज होगा। एक बार में कोई एक विश के लिए आपको करना है, ठीक है। और आपको ड्रीम अपना हाउस चाहिए, घर चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, एक लाइन बना लेंगे कि मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, मैं अपनी फैमिली के साथ में अपने घर में खुश हूं, या अपने तरीके से कोई भी अफर्मेशन बना सकते हैं। तो सुबह में तीन बार, दोपहर में छह बार और नाइट में नौ बार, ये आप लिखेंगे। कोई भी और मनोकामना है तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, आपको इस चीज का ध्यान देना है, आपको प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। और जब तीन बार आप सुबह लिख लेते हैं तो लिखने के बाद में आपको तीन बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, ठीक है। दोपहर में जब लिख लेते हैं तो उस समय भी आपको तीन बार थैंक यू बोलना है। और जब इससे पहले दोस्तों कॉपी में सबसे पहले जब पहले दिन आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, या फिर जो भी आपके ईष्ट हैं जिनको आप मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, उनका मंत्र लिख सकते हैं, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो श्री गणेशाय नमः ही लिखें, क्योंकि वो विघ्नों के हर्ता है। सारी जो परेशानियां आएंगी आपके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तो ये थॉट्स को कंट्रोल कर देंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए। और दोस्तों लिखते समय आपको उस चीज को ज्यादा टाइम नहीं लगना है, लेकिन विजुलाइज करें, कम से कम 21 डेज 41 डेज तक आपको कंटिन्यू करना है, बीच में गैप नहीं करना है। ये रेमेडी दोस्तों इतनी पावरफुल है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे इसको करने के बाद में, क्योंकि इसका मैं नहीं बता रहा हूं, ये रेमेडी ये निकोला टेस्ला ने नंबर्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, और इसका अगर आपको देखना है, प्रूफ देखना है, तो आप गूगल में सर्च कर लें निकोला टेस्ला 369 मेथड। ये मेथड दोस्तों आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं हर वो चीज आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ब्रह्मांड जो होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बेस पे काम करता है। अगर हम बार बार कोई इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो लिखते समय और उस चीज को विजुलाइज करते हैं,
तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगता है कि हाँ ये चीजें रियल है। और जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को मान ले तो वो मैसेज जो होता है ब्रह्मांड तक चला जाता है। और ब्रह्मांड दोस्तों आपको हर वो चीज देने को तैयार है जो आप चाहते हैं, बस आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा। अगर आप नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं, आपकी जिंदगी में जैसे परेशानियां चल रही हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो बदकिस्मत हूं, मेरी जिंदगी खराब है, तो ये मैसेज जो होता है आपका ये ब्रह्मांड तक जाता है और आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, संघर्ष आ जाते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी चल रही हो जिंदगी में, हमेशा ये बोलिए मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा ही होगा, मैं परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब ये चीजें जिंदगी में हमेशा आप बोलेंगे, अगर दोस्तों कोई भी चीज जिंदगी में पाना है तो हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना होगा और पॉजिटिव वर्ड ही यूज करने पड़ेंगे। काफी लोग रहते हैं जिनके पास में पैसा नहीं आ रहा है तो उन लोग क्या बोलते हैं, यार मेरे पास में तो पैसे ही नहीं आता, मेरी तो किस्मत फूटी है। तो जिंदगी आपको वही चीजें और करने लगती है, शिकायतें जिंदगी में और देने लगती है। तो शिकायत कभी भी ना करें जिंदगी में। आप एक दिन ऐसा निकाल लीजिए जब जिंदगी में भगवान से कभी कोई एक पॉइंट भी आप किसी से भी शिकायत ना करें, 24 घंटे में कुछ भी शिकायत नहीं करें, नहीं हो पाएगा दोस्तों आप लोगों से। करके देखिए, अगर आपने ये कर लिया तो उसी दिन दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि हाँ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी जिंदगी में, भगवान चमत्कार कर रहे हैं आपकी जिंदगी में। जरा सा कुछ भी चीज होता है तो इंसान क्या बोलता है, भगवान ने कर दिया, लेकिन इंसान अपने कर्म नहीं देखता है। भगवान बिना वजह नहीं देते हैं सजा किसी को, और भगवान ही दोस्तों ग्रह योग बनाते हैं आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जिंदगी में कहीं ऐसा चल रहा, बुरा वक्त चल रहा है, तो अपने अंदर झांकिए, कुदरत बिना वजह आपको सजा नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं आपके कर्म ऐसे होंगे। इस दुनिया में एक मैंने कहावत सुनी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। बिल्कुल सही है, 100%। लेकिन इंसान की जिंदगी में भगवान का कोई भी रोल काल नहीं है। इंसान चाहे तो अपना भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है और अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। सिर्फ पॉजिटिव रह करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा बोलें। साइंटिफिक प्रूफ यह है कि यह ब्रह्मांड जो है लाइट से और साउंड से बना हुआ है। हम जिस चीजों को फील करके देखते हैं या जिन चीजों को फील करके सोचते हैं, बोलते हैं, तो वही चीजें हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब भी जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है तो उन चीजों को बोले, सुने और फील करें। प्रेजेंट टेंस में बोले कि वो चीज आपको मिल चुकी है। और जो मैंने ये बताया, आपको मेथड बताई है 369 की, आपको प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है और फील करना है उन चीजों को। आपको आपकी ड्रीम कार चाहिए तो आपको प्रेजेंट टेंस में 3 बार बोलना है, मुझे मेरी ड्रीम कार मिल गई है, ठीक है। और उस चीज को पिक्चर्स बनाइए दिमाग में, क्योंकि अदृश्य जगत की शक्तियां में दो शक्तियां हैं इस दुनिया में, एक अदृश्य जगत है, एक दृश्य जगत है। अदृश्य जगत आपका दिमाग है। जब अदृश्य जगत में वो चीजें घटित हो जाती हैं तो आपके दृश्य जगत में, यानी कि आपके मटेरियल लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं। तो जितना हो सके फील करके सोचें जो चीज आप चाहते हैं और वो चीज आपको मिल गई है, एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चीज मिल गई है। और फील करें उस चीज को, पूरे दिल से थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल रहें हमेशा यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स को आभार सबसे ज्यादा पसंद है। जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतनी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।